Hello and welcome, dear student. So today's our topic is principle of plant disease management. आज अपन plant disease management के क्या-क्या principles हैं, उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है दोस्त. Principles से पहले अपन एक बात करेंगे disease triangle, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं. लेकिन कोई भी disease अगर develop हो रहा है या disease development क्या जो मेन फैक्टर है आपका वो है होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट. तीनों के इंटरेक्शन की वजह से ही डिजीज होगा. अगर तीनों का इंटरेक्शन नहीं होगा तो डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा. मतलब डिजीज जो है आपका होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का रिजल्ट है. ठीक है. तो डिजीज डेवलपमेंट के लिए तीन फैक्टर जो है वो आपके जरूरी है. फर्स्ट आपका होस्ट, दूसरा आपका वायरुलेंस पैथोजन और थर्ड जो है वो आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट. ये तीनों फैक्टर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलेंगे तभी डिजीज डेवलपमेंट होगा. अदरवाइज जो है वो डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा. और जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया है ये बताता है कि डिजीज की इंटेंसिटी कितनी है, डिजीज का क्या मैग्नीट्यूड है, कितनी मात्रा है. ठीक है. जैसे आपका होस्ट हाईली ससेप्टिबल है तो ये लाइन बढ़ जाएगी. पैथोजन हाईली वायरुलेंट है तो ये बढ़ जाएगी. ठीक है. एनवायरनमेंट आपका हाईली जो है वो कंजीनियल है, बहुत ज्यादा फेवरेबल है तो ये बढ़ जाएगी. तो आपका ट्रायंगल जो है वो इस प्रकार का जो है वो बढ़ जाएगा इसकी जो है. तो इसका मतलब है कि डिजीज डेवलपमेंट ज्यादा होगा. ठीक है. और दूसरी बात ये कोई भी डिजीज एपिडेमिक फॉर्म में तभी आएगा जब आपका होस्ट हाईली ससेप्टिबल हो, पैथोजन हाईली वायरुलेंट हो और इन्वायरमेंट हाईली जो है वो आपका टोटल जो है वो फेवरेबल हो. यहाँ देखिए आप, तो ये जितना आपका होस्ट की ससेप्टिबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है वो ये पार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा. उसी तरह आपका पैथोजन जो है वो वायरुलेंस ही बढ़ती जाएगी, ये पार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है. इस प्रकार से जैसे बात करें तो ऐसे. ठीक है. तो ये जो है वो आपका पार्ट बढ़ता जाएगा, मतलब जितना जो है वो और डिजीज डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में रहेगा. ठीक है. ये है आपका डिजीज ट्राइंगल, मतलब तीनों का इंटरेक्शन जो है वो जरूरी है. दूसरी बात अपन ये करें कि डिजीज मैनेजमेंट के लिए आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए, क्या क्या बातें पता होनी चाहिए जिससे कि डिजीज मैनेजमेंट ईजी हो जाए. ठीक है. तो इससे पहले अपन ने बात किया था जब क्लास के अंदर कि प्लांट पैथोलॉजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, प्लांट पैथोलॉजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका था एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी. सेकंड जो था आपका पैथोजेनेसिस एंड थर्ड था आपका एपिडेमियोलॉजी एंड फोर्थ जो है वो आपका मैनेजमेंट. ठीक है. तो आज जो है अपन ज्यादा जो है अपना कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, मैनेजमेंट आस्पेक्ट पे. फर्स्ट जो था आपका इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब कॉजेज ऑफ द डिजीज, डिजीज के क्या कॉजेज है, बायोटिक है कि एबायोटिक है. बायोटिक है तो इट इज ए फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, निमेटोड है या आपका पैरासाइटिक प्लांट्स है. ठीक है. तो पहले आपको जब कॉजेज पता होगा तभी जो है अपन मैनेज कर पाएंगे. जब आपको कॉजेज ही नहीं पता है तो मैनेज कैसे करेंगे. दूसरा है कि आपका पैथोजेनेसिस, मतलब मैकेनिज्म क्या है, वो डिजीज कैसे कॉज करता है. ठीक है. एंजाइम का सिक्रेशन करता है, टॉक्सिन का सिक्रेशन करता है, या कौन से सिस्टम को जो है इनहिबिट करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम को इनहिबिट करता है या वाटर ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है, या ये बायोट्रॉफ है या नेक्रोट्रॉफ है, व्हाटएवर है ना. तो आपको जो है वो मैकेनिज्म पता होना चाहिए. थर्ड जो है वो आपका वो है एपिडेमियोलॉजी, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल है, कौन सा एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो डिजीज के डेवलपमेंट को फेवर कर रहा है. हाई टेम्परेचर पे डिजीज ज्यादा आ रहा है, लो टेम्परेचर पे ज्यादा आ रहा है, या हाई मॉइस्चर पे ज्यादा आ रहा है या लो मॉइस्चर पे ज्यादा आ रहा है. ठीक है. तो जो है कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन, या एसिडिक कंडीशन में आ रहा है या एल्केलाइन कंडीशन में आ रहा है, तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि डिजीज डेवलपमेंट को ज्यादा फेवर करते हैं. तो इसमें अपन अल्टरेशन कर सकते हैं. सपोज लो टेम्परेचर पे डिजीज ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, क्रॉप की जो है वो आपकी सोइंग डेट को आगे पीछे करके. अगली बात, उसी तरह आपका अगर लो मॉइस्चर पे ज्यादा आ रहा है,
ठीक है, तो इरिगेशन को कम कर देंगे, वॉट एवर, तो इसमें जो है अल्ट्रेशन करके अपन जो है डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। अब जो है जैसे अपन बात करें, ऑलरेडी अपन ने बात किया कॉजेज ऑफ द डिजीज, डिजीज का कॉजेज पता होना चाहिए, प्लस जो है मोड ऑफ सर्वाइवल एंड स्प्रेड ऑफ ए पैथोजन। पैथोजन कहाँ सर्वाइव कर रहा है, सीड के साथ सर्वाइव कर रहा है, सोयल के अंदर सर्वाइव कर रहा है, या वो स्प्रेड कैसे हो रहा है, थ्रो सीड, थ्रो एयर, थ्रो सोयल, थ्रो वाटर, ठीक है, तो उसको जो है अपन रोक सकते हैं। थर्ड है आपका फर्स्ट पैथोजन रिलेशनशिप, दैट पैथोजेनेसिस, उनके बीच में किस प्रकार की रिलेशनशिप है, ये आपका बायोट्रॉफिक है, नेक्रोट्रॉफिक है, फैकल्टेटिव बायोट्रॉफिक, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है, ठीक है, और सेकेंडरी स्प्रेड उसका जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, कौन से एजेंसी के थ्रू हो रहा है, आपका एयरबोर्न है कि वाटरबोर्न है कि या सोइल बोर्न है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट जो अपन अभी बात की ऑलरेडी, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर मतलब एनवायरमेंट का जो है इसके ऊपर क्या, तो इन सब बातों का अगर अपने को नॉलेज है, आपको पता है कि कॉजेज क्या है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे जो है वो फर्स्ट और पैथोजन के बीच में क्या रिलेशन है, और एनवायरमेंट का क्या रोल है, कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन जो है डिजीज को फेवर करती है, अगर ये सारी बातें पता होगी तो अपन जो है डिजीज को मैनेज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वही, तो मेन टारगेट जो है अपना डिजीज मैनेजमेंट के लिए है कि आपको होस्ट, पैथोजन और एनवायरमेंट, इन तीनों की इंटरेक्शन को रोकना है, ठीक है। जैसे आपका अगर होस्ट प्रेजेंट है, एनवायरमेंट भी फेवरेबल है, तो पैथोजन को इनके संपर्क में आने से रोकना। जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं आपका होस्ट, पैथोजन और एनवायरमेंट, अगर तीनों का संपर्क हो रहा है या तीनों का इंटरेक्शन हो रहा है, इट मीन्स क्या है, डिजीज प्रेजेंट। अगर इन तीनों के संपर्क को अपने ब्रेक कर दिया, जैसे आपने पैथोजन को अलग कर दिया, तो डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब डिजीज डेवलपमेंट के लिए, डिजीज कॉज के लिए आपका ट्राइंगल का बनना जरूरी है, ठीक है। और पैथोजन और एनवायरमेंट का तीनों का अगर इंट्रेक्शन होगा तभी जो है डिजीज डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, इसमें इस प्रकार से मैनिपुलेशन करें कि होस्ट, पैथोजन और एनवायरमेंट का इंट्रेक्शन नहीं हो, या फिर इंट्रेक्शन कम से कम हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन जो है वो डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। तो यही अपना जो है मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्लांट पैथोलॉजी का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ए डिजीज इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैनेज तो कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर जो है खर्चा जितना आपको यील्ड नहीं मिले उससे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है, दो टर्म रहती है, एक आपकी कंट्रोल और दूसरी मैनेजमेंट। कंट्रोल का मतलब आपका 100% रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या 100% जो है वो कंट्रोल जो है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब टोटल फ्री, ठीक है, टोटल जो है जर्म फ्री या माइक्रो फ्री, जो कि कंप्लीटनेस मतलब 100% जो है वो फ्री करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब होता है मेंटेनिंग द डैमेज, ठीक है, अब डैमेज को एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन करें, ठीक है, जिससे कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल से पहले मतलब कम तक, ताकि ज्यादा लॉस नहीं हो, ठीक है, उसको मेंटेन करना, उसको अपन मैनेज, तो मैनेजमेंट जो है वो आपका एप्रोप्रिएट टर्म है एज कंपेयर टू कंट्रोल। कंट्रोल मतलब प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन जो है एक सर्टेन लेवल तक जो है वो मैनेज कर सकते हैं थिंग्स को, तो वो रहेगा आपका, मैंने इसीलिए जो है अभी जो है वो लेटेस्ट अपन मैनेजमेंट ही यूज कर रहे हैं। अब जो है अपन मैन आते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, तो आपके 6 प्रिंसिपल्स है, जिनमें से ये प्रिंसिपल जो है वो आपका पैथोजन, होस्ट, एनवायरमेंटल कंडीशन, इनके ऊपर जो है वो निर्भर करेगा कि कौन सा जो है प्रिंसिपल काम करेगा। तो सबसे पहले जो है 1929 के अंदर जो है विट्जेल ने जो है वो 4 जो है वो प्रिंसिपल दिए, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद जो 1968 के अंदर जो है वो आपका नेशनल साइंस एकेडमी, इन्होंने जो है 2 प्रिंसिपल और ऐड कर दिए, एक तो प्रिंसिपल ऑफ एवोइडेंस और प्रिंसिपल ऑफ फेरेट, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें तो टोटल जो है वो आपके 6 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट जो है वो
avoidance, exclusion, eradication, protection, resistance and therapy. ठीक है, तो ये principles कैसे काम करते हैं, क्या क्या रहता है, वो अपन एक एक जो है इनको अगले आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपन फर्स्ट जो है प्रिंसिपल आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ एवॉइडेंस. इसका जो है मेन जो है अपना जो है वो गोल रहता है होस्ट और पैथोजन का कॉन्टेक्ट नहीं होना, कॉन्टेक्ट को रोकना, टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट बिटवीन द होस्ट एंड पैथोजन. ठीक है, एट द ससेप्टिबल स्टेज, क्योंकि जो है बहुत सारे जो है डिजीज आपके अर्ली स्टेज में आते हैं, कुछ डिजीज लेट स्टेज में आते हैं, तो होस्ट जो है वो पर्टिकुलर डिजीज के प्रति, पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति जो है कौन सी स्टेज उसकी ससेप्टिबल है, उस स्टेज में होस्ट और पैथोजन के कॉन्टेक्ट को रोकना. ठीक है, अगर कॉन्टेक्ट को रोक देंगे तो आपका जो है वो डिजीज ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा, तो डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा. ठीक है, अब जो है अपन ये पर्टिकुलर जो है वो स्टेज पे या कॉन्टेक्ट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो है आपका सिलेक्शन ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया. तो इस प्रकार का जियोग्राफिकल एरिया सिलेक्शन करें जिसमें जो है वो आपका डिजीज का प्रेवलेंस कम हो. ठीक है, फिर जियोग्राफिकल एरिया सिलेक्शन करने के बाद जो है अपन का फील्ड का सिलेक्शन, इस प्रकार के फील्ड का सिलेक्शन करें जहां पे पहले से इनोकुलम प्रेजेंट नहीं हो या फिर जो है वहां पे डिजीज आने के चांसेस कम हो. फिर जो है वो आपका सोविंग डेट, ठीक है, क्रॉप जो है इस टाइम पे सोए जिससे कि या तो अर्ली या लेट है ना, उसके हिसाब से ताकि उसका जो है कॉन्टेक्ट कम से कम हो सके. उसी तरह डिजीज एस्केपिंग वेराइटी सिलेक्शन कर सकते हैं, वो डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी या फिर जो है आपका एस्केपिंग जो टॉलरेंट वेराइटीज रहे उनका सिलेक्शन कर सकते हैं. सिलेक्शन ऑफ ए हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है, हेल्दी सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर जो है आपका अदर कोई प्रोपोगेटिव अदर मींस से अगर प्लांट जो है आपका प्रोपोगेशन मटेरियल अलग है तो आप उसको जो सिलेक्शन कर सकते हो. मॉडिफिकेशन ऑफ ए कल्चरल प्रैक्टिसेस आल्सो, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, या टाइम ऑफ सोइंग है ना, तो अदर अलग अलग जो है आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस है उनके थ्रू भी जो है वो होस्ट और पैथोजन के कॉन्टेक्ट को अवॉइड किया जा सकता है या फिर जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है या कम किया जा सकता है. अब अपन बात करें एक एक की, जो फर्स्ट जो है वो आपका सिलेक्शन ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया. जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे अपन बात करें कि कुछ डिजीजेज ऐसे रहते हैं जो आपका जो है वो टेम्परेट कंडीशन में आते हैं, कुछ जो है वो आपका ट्रॉपिकल कंडीशन में आता है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो आपका, क्योंकि अभी भी अपन ने पहले भी बात किया कि इन्वायरमेंट जो है वो आपका मेन जो है वो रोल प्ले करता है. ठीक है, तो इट्स डिपेंड अपॉन ए सुटेबिलिटी ऑफ ए प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, पर्टिकुलरली जो है वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. इसी के आधार पे जो जैसे अपन बात करें कि बहुत सारे जो है वो डिजीज जो है वो आपका वेट कंडीशन जहाँ पे जो है मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है वहां पे जो है फंगल या बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू जो है वो आपका ड्राई एरिया के. जैसे तो क्या कर सकते हैं कि ड्राई एरिया के अंदर जो है वो क्रॉप ले सकते हैं विद इरिगेशन, इरिगेशन देखिए. ठीक है, तो जब आप इरिगेशन आर्टिफिशियल इरिगेशन दे रहे हैं तो मॉइस्चर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, एक मतलब जिस हिसाब से अपने को जितना मॉइस्चर चाहिए उस हिसाब से. ठीक है, और अगर वेट एरिया के अंदर ही क्रॉप कर रहे हैं तो वहां आप जो है वो मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वहां जो है नेचुरल जो है वो रेनफॉल वगैरह जो आपका ज्यादा रहेगा. जैसे अपन बात करें इसमें टॉप है बाजरा है ना, एनर्के टॉप है बाजरा जो है ये आपकी क्या है वेट एरिया जहाँ पे जो है ज्यादा मॉइस्चर है वहां पे डिजीज ज्यादा आता है, तो इनको जो है अपन ड्राई एरिया के अंदर विद इरीगेशन देके जो है अपन इसको अवॉइड कर सकते हैं. सिमिलरली जैसे आपका पोटेटो वायरल डिजीज की अगर बात करें तो ये जो है वो आपका हाई अल्टीट्यूड पे जो है मतलब जो हिली एरियाज है वहां पे जो है अगर अपन पोटेटो का सीड प्रोडक्शन करें तो वहां पे जो है वायरल डिजीज आने के चांसेस कम रहते हैं. इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि वहां पे जो है वो आपका एफिड का जो है वो पॉपुलेशन कम रहता है या एफिड का जो है प्रॉपर जो है पॉपुलेशन बिल्डअप नहीं हो पाता है क्योंकि पोटेटोज के अंदर जितने भी वायरल डिजीज है मैक्सिमम वायरल डिजीज जो है वो आपका एफिड के थ्रू ट्रांसमिट होता है. ठीक है, तो जब आपका एफिड का पॉपुलेशन कम रहेगा या नहीं रहेगा तो फर्दर जो है वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं होगा क्योंकि जैसे आपका एक ट्यूबर सपोज इन्फेक्टेड है तो वहीं तक सीमित रहेगा. ठीक है, तो एफिड पॉपुलेशन को मिनिमाइज करके जो है फर्दर जो है डिजीज के स्प्रेड को कम किया जा सकता है. तो इसीलिए जो है पोटेटो का सीड प्रोडक्शन वगैरह जो है अपन क्या करते
हैं हमेशा हाई जो है वो हिली एरिया पे हाई अल्टीट्यूड पे करेंगे। ठीक है, सेकंड जो अपन बात करें सिलेक्शन ऑफ ए फील्ड, तो जब जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया का मतलब आप समझ गए है ना, पूरा का जो है वो आपका बड़ा लार्ज भूखंड, जैसे ये आपका पूरा जियोग्राफिकल एरिया हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो अपने को जो है फील्ड का सिलेक्शन करना, किसी पार्ट में आप प्लांट ग्रो करोगे ना, ठीक है, जैसे आपने यहाँ हो गया या फिर यहाँ हो गया है ना, उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर किस प्रकार का फील्ड का सिलेक्शन करें जिसके अंदर पहले से जो है वो आपका पैथोजन की प्रेजेंस नहीं हो या सोयल के अंदर जो है उसका इनोकुलम नहीं हो। ये जनरली जो है आपका सोयल बॉर्न डिजीज है, जैसे आपका रूट नॉट निमेटोड हो गया या बैक्टीरियल विल्ट हो गया या फंगल विल्ट हो गया है ना, या रेड रॉट ऑफ शुगर कैन हो गया, रेड ब्लाइट ऑफ पोटेटोज हो गया है ना, तो ये ऐसे जो जिसका पहले से आपका सोयल के अंदर जो है इनोकुलम कम हो, या फिर जो है इस प्रकार के फील्ड का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब एप्पल का अगर आपका ऑर्चर्ड लगाना है तो उसके आसपास में ओक ट्रीज जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर जो है वो आपका पॉलर रॉड जो रहता है उसके लिए जो है वो शेल्टर प्रदान करता है, मतलब पैथोजन पॉलर रॉड का पैथोजन जो है वो आपका ओक ट्रीज के ऊपर जो है वो सर्वाइव करता है। तो ऑलरेडी जैसे आपका यहाँ ओक का ऑर्चर्ड है और यहाँ आप अगर एप्पल का ऑर्चर्ड लगा रहे हैं तो ये पैथोजन जो है वो यहाँ से मूव होकर इस पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिलेक्शन करें फील्ड का जिससे कि डिजीज आने के चांसेस कम रहे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ए सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, हमेशा जो है आपका हेल्दी सीड्स जो है वो, मतलब सीड्स पहले से जो है डिजीज इन्फेक्टेड नहीं हो, उसी प्रकार प्लांटिंग मटेरियल है तो उसमें जो किसी प्रकार की डिजीज जो है वो प्रेजेंट नहीं हो, तो इस प्रकार से जो है वो आप सिलेक्शन करेंगे तो डिजीज आने के चांसेस कम होंगे। थर्ड जो है वो आपका डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज, ठीक है, इस प्रकार की वेराइटीज दें, ठीक है, जिसमें जो है वो आपके इस प्रकार के करेक्टर हो, जैसे आपकी क्यूटिकल की थिकनेस होगी या फिर जो है वो प्रेजेंस ऑफ दैट ट्राइकोम्स जैसे हेयर्स है, ठीक है, तो उसके आधार पे वो वेराइटी जैसे या तो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि डिजीज आने, जैसे कुछ डिजीज लेट स्टेज में आता है तो आप जो है अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज लेके उस डिजीज से जो है वो आपका एस्केप कर सकते हो। ठीक है, सो जो आप टाइम ऑफ सोविंग, इस प्रकार का जो है वो आपका टाइम सोइंग टाइम लीजिए जिससे कि डिजीज आने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो इसमें जैसे आपका जो अर्ली प्लांटिंग ऑफ ए पोटेटो एंड वीट, अगर अर्ली जो है आप पोटेटो और वीट का जो है वो प्लांटिंग करते हैं ना, सोइंग करते हैं, तो इसमें जो है आपका पोटेटो के अंदर लेट ब्लाइट आने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसी तरह वीट के अंदर जो है वो आपका स्टेम रस्ट डिजीज आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इससे क्या है एक जो पर्टिकुलर जो पैथोजन को जो फेवरेबल टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी चाहिए उससे वो जो है वो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, उससे जो है वो अपन एस्केप कर जाएंगे। तो उसी जैसे फॉर एग्जांपल बात करें पी एंड ग्राम जो है वो प्लांटेड आफ्टर, मतलब जस्ट जैसे ही आपकी बारिश हुई उसके तुरंत बाद अगर आप जो है पी या फिर जो है ग्राम जो चना जो है उसकी अगर अपन सोइंग कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर, क्योंकि एक तो जैसे ही बारिश हुआ उसके बाद जो सोयल का टेम्परेचर भी हाई रहता है प्लस जो है मॉइस्चर भी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो देखा गया कि जो आपके रूट रॉट डिजीज है इसका जो है इंसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, तो बारिश के जो है वो दो एक दो दिन बाद में अगर सोइंग करें तो इसके देखा गया कि इस प्रकार के डिजीज जो है वो कम आती है। ठीक है, तो जो है लेट सोइंग कर सकते हैं तो इससे जो है इस डिजीज से अपन जो है वो एस्केप कर जाएंगे। तो ये है, अब सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका है एक्सक्लूजन। ठीक है, जैसे पहले आपने ट्राई किया अवॉइडेंस का, ठीक है, जैसे कि होस्ट और पैथोजन के कांटेक्ट को कैसे, मतलब होस्ट भी प्रेजेंट है और पैथोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेवर तो उनके कांटेक्ट को जो है अपने को रोकना था। अब जो है सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब होता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ए पैथोजन इन पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंट्री पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, मतलब जैसे ये आपका फील्ड है ये बिल्कुल जो है डिजीज फ्री है तो इसके अंदर बाहर से जो है वो किसी प्रकार के पैथोजन की एंट्री को रोकना। ठीक है, तो ये लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज या फिर जो है आपका ये हाईली जो है वो इन्फेक्टेड फील्ड है तो यहाँ से किसी प्रकार का मटेरियल जो है वो बाहर लेके नहीं जाए ताकि दूसरे फील्ड के अंदर डिजीज नहीं आए, तो एंट्री को रोकना वो आपका जो आ गया किसके अंदर, एक्सक्लूजन के अंदर। ये किसके थ्रू अपन कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू जो है अपन इसको जो अचीव कर सकते हैं, फर्स्ट जो है आपका सीड ट्रीटमेंट,
ठीक है, सीड को जो है वो ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से जो है उसके ऊपर पैथोजन का अटैक नहीं होगा या उस फील्ड के अंदर जो है पैथोजन की एंट्री नहीं होगी। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द सीड, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, हेल्दी सीड के लिए। इस प्रकार का जो है अगर सीड में मतलब डिजीज पहले से इन्फेक्टेड नहीं है तो एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा कि इट इज ए हेल्दी सीड, डिजीज फ्री सीड। तो इस प्रकार का जो है वो डेवलप करना, इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट वेक्टर की जो है पॉपुलेशन को बिल्डअप नहीं होने देना, ठीक है, उसको जो है वहां से इरेडिकेट करना। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन में भी जो है आपका डोमेस्टिक हो सकता है, मे बी नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, या फिर जो एम्बर्गो, एम्बर्गो मतलब होता है आपका टोटल प्रोहिबिशन ऑफ ए टोटल मूवमेंट ऑफ ए एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, ठीक है। जैसे अपन बात करें आपका दार्जिलिंग वगैरह है ना, तो वहां से जो है वो आपका पोटेटो सिस्ट निमेटोड है, या फिर जो है वाट डिजीज ऑफ ए पोटेटो है, तो वहां से किसी प्रकार का जो है पोटेटो का मूवमेंट जो है वो दूसरे पार्ट के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका टोटल जो है वो प्रोहिबिशन या मूवमेंट ऑफ ए एग्रीकल्चर कमोडिटीज। दूसरा डोमेस्टिक क्वारंटाइन जो है वो आपका विद इन द जो है कंट्री या विद इन द स्टेट, ठीक है। रेगुलेटरी क्वारंटाइन जो है वो एक पोस्ट क्वारंटाइन एंट्रीज के थ्रू उसको जो पहले जो टेस्ट करके उसके बाद जो है वो अपने एंट्री देते हैं। तो क्वारंटाइन अलग जो है चैप्टर है, अपन जो है उसको अलग से देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा अगर अपन बात करें किस किस के थ्रू, जो ऑलरेडी अपन बात करी है, थ्रू सेटिंग ए सीट सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड बनाने होंगे, ठीक है, उसके थ्रू के भाई ये स्टैंडर्ड रहेंगे तो ये सीट हेल्दी है। जनरल सीट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है ना, फॉर ऑल जो है क्रॉप के लिए। स्पेसिफिक सीट सर्टिफिकेशन, जैसे कुछ क्रॉप जिसमें जो है डिजीज इन्फेस्टेशन ज्यादा है, या फिर जो है प्रॉब्लमेटिक, या फिर अभी जो है वो डिजीज नहीं है लेकिन आने के चांसेस है, तो उनके लिए जो अपन स्पेसिफिक या जो स्पेशल जो है वो सीड जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है ना, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के, तो मैक्सिमम जो है परमिसिबल लेवल जो है वो कितना होना चाहिए आपका। जैसे फॉर अगर बात करें पेडी के लिए बंट है ना, निवोसिया, और ये जो फाउंडेशन सीड अगर मोर देन 0.10% से ज्यादा अगर इन्फेक्टेड है तो इसको जो है अपन रिजेक्ट करेंगे, सीड को जो है वो सोइंग के लिए यूज नहीं कर सकते। सर्टिफाइड में जो है वो आपका 0.5%, ठीक है, अगर इससे ज्यादा सीड जो है कॉन्टामिनेटेड है या इन्फेक्टेड सीड है तो उसको जो है वो परमिट नहीं किया जाएगा। उसी तरह सोरगम के लिए जो है वो आपका अर्गेट के लिए 0.20%, और सर्टिफिकेशन के लिए जो है आपका 0.04% जो, ठीक है। इसमें से जो है बहुत बार पूछे जाने वाला जो है वो आपका है करनाल वन टॉप वीट है ना, तो ये एक दो बार जीआरपी में भी पूछा गया है। तो ये जो है आपका सर्टिफाइड सीड जो है वो 0.25%, मतलब 0.25% तक अगर उसमें सीड जो है वो इन्फेक्टेड है या कॉन्टामिनेटेड है तो उसको परमिट करेंगे, इससे ज्यादा रहेगा तो अपन जो है वो सर्टिफाइड सीड को परमिट नहीं करेंगे। यही जो है जो आरटीआर वगैरह में पूछा गया। उसी तरह पोटेटो ट्यूबर्स की अगर बात करें तो 1% अगर पोटेटो ट्यूबर आपका जो इन्फेक्टेड है तो उसको परमिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा रहेगा तो आपका जो है वो लेट ब्लाइट के लिए जो है वो परमिटेबल नहीं है, ठीक है। उसी तरह ब्लैक स्कर्फ जो है वो आपका है ना, राइजोकोनिया सोलानी के थ्रू जो रहता है, उसका जो है वो लिमिट है आपका 5%। तो ये जो है वो कुछ परमिसेबल जो है वो लिमिट्स है फाउंडेशन और सर्टिफिकेशन सीड। थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव वो है आपका इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था अपना अवॉइडेंस, कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना, उसके बाद जो है एक्सक्लूजन मतलब एंट्री को प्रिवेंट करना। अब क्या हुआ, इरेडिकेशन मतलब अपन कॉन्टेक्ट को अवॉइड नहीं कर पाए, एंट्रीज को भी जो है प्रोहिबिट नहीं कर पाए, तो पैथोजन की एंट्री हो गई, ठीक है। एंट्री होने के बाद पैथोजन को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, तो इट इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ ए पैथोजन वंस इट बिकम ए, ठीक है। ये आपके जो है पैथोजन फील्ड के अंदर आ गया है, तो फील्ड में आने के बाद उसको जो है वो अपन कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। मतलब आपका पैथोजन जो है फील्ड के अंदर पहुंच गया है, एवॉइडेंस और एक्सक्लूजन दोनों जो है वो आपके फेल हो गए। तो अब जो है इसको अपन यहाँ से कैसे निकालेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो उसके लिए जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट जो है तो अलग अलग मेथड, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए ट्राइकोडर्मा, बेसिलस, स्यूडोमोनास, जो भी बायो एजेंट्स है उनके थ्रू, जैसे अपन बायोलॉजिकल एजेंट अपन पढ़ भी लिए है ना, तो उनके थ्रू जो है कंट्रोल, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करेंगे।
एक ही बार जो है लगातार जो है वो सेम क्रॉप को ग्रो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो सोइल बॉर्न पैथोजन या प्लांट डेब्रिज के ऊपर जो पैथोजन सर्वाइव करते हैं उनको जो है वो न्यूट्रिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रॉप रोटेशन हमेशा जो है आपका नॉन होस्ट क्रॉप के साथ किया जाएगा। उसी तरह सर जो है आपका रिमूवल एंड डिस्ट्रिक्शन ऑफ ए डिजीज प्लांट, जैसे आपका प्लांट के टहनी पे या लीफ के ऊपर जो है वो डिजीज आ गया है ना, तो आप इस पार्ट को रिमूव करके बर्न कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे, ठीक है, तो उससे जो है वो उसको निकाल सकते हैं। रोगिंग, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑफ टाइप प्लांट्स या वीड्स, फील्ड के अंदर जितने भी आपके वीड्स या फिर जो अदर प्रकार के प्लांट है उनको जो है वो रिमूव करेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं पैथोजन को शेल्टर प्रदान करते हैं, उनको जो है सर्वाइवल ये हेल्प करेंगे। इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट हॉस्ट एंड कोलेटरल हॉस्ट, ठीक है, अल्टरनेट हॉस्ट मतलब आपका डिफरेंट फैमिली का हॉस्ट जो कि पैथोजन को शेल्टर प्रदान करता है या उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। कोलेटरल मतलब उसी जो क्रॉप है आपका उसी सेम फैमिली के जो भी वीड्स हॉस्ट है तो उनको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सैनिटेशन, साफ सफाई के थ्रू, जैसे अभी आपका कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है ना, तो उसको कैसे कर सकते हैं अपने सैनिटेशन के थ्रू उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सैनिटेशन मतलब जैसे आपके इक्विपमेंट्स जो आपका इन्फेक्टेड फील्ड में आप यूज किए उसको जो है हेल्दी फील्ड में जब भी आप मूव करा रहे हो तो उसको प्रॉपर जो है सैनिटाइज करना, साफ सफाई है ना, प्लस जो है जितने भी आपके प्लांट डेब्रिज जो है सोयल के अंदर पड़े हैं ना, टहनी है, लीफ है ना, जो इन्फेक्टेड है उनको जो है वहां से रिमूव करना। पॉलीथीन रैप मास्क, जैसे सोयल सोलराइजेशन है ना, तो फील्ड को जो है वो आप ये ज्यादा लार्ज स्केल पर नहीं कर सकते अपन, नर्सरीज वगैरह में जो है वो पॉलीथीन के थ्रू जो है फील्ड को कवर करना। कंट्रोल थ्रू ट्रेप प्लांट, ठीक है, ट्रेप प्लांट जैसे आपका ट्रेप क्रॉप, जैसे फील्ड के चारों ओर जो है आपने ट्रेप क्रॉप लगा दी, ठीक है, तो वो क्या करेगा जो नए पैथोजन आ रहे हैं उनको जो वहीं पे ट्रेप कर लेगा, ठीक है, या फिर जो है एंटागोनिस्टिक क्रॉप का यूज करना। हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है, सीड को जो है वो आपका हीट के थ्रू ट्रीट कर सकते हो, केमिकल के थ्रू ट्रीट करो। सोइल ट्रीटमेंट, सोइल जो है सोइल ड्रेंसिंग जो है वो उस केमिकल्स के द्वारा, इस तरह से जो है अपन इन मेथोडोलॉजी के लिए इन मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके जो डिजीजेस आ गई है फील्ड के अंदर उसको जो है अपन रिमूव कर सकें, ठीक है। जिस इस प्रकार से कुछ फोटोग्राफर क्रॉप रोटेशन हो गया है ना, बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड रेजिड्यूज, वीड का कंट्रोल करके है ना, जो इन्फेक्टेड पार्ट्स है जैसे उनको अलग करके है ना, सोयल ट्रीटमेंट करके या प्रॉपर जो है वो आपका फ्लेमिंग है ना उसके थ्रू जो है वो करके, तो इसमें जो है बाकी जितने भी मेथड्स है वो अपन अलग अलग एक एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, जैसे कल्चरल प्रैक्टिस अलग पढ़ोगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। तो सैनिटेशन, सैनिटेशन में क्या रहता है जो इन्वॉल्व है, प्रोसीजर दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ए डिजीज टू ए न्यू फील्ड, ठीक है, मतलब इस प्रकार के प्रोसीजर को अडॉप्ट करो जिससे कि इन्फेक्टेड फील्ड से नए फील्ड के अंदर डिजीज नहीं जाए। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो भी मशीनरीज है उनको प्रॉपरली जो है वो केमिकल्स के थ्रू ट्रीट करके जो है साफ करें, जो भी टूल्स आपके हैंड टूल्स है, सीजर वगैरह है ना, उनको जो सिकेटियर है इनको जो है वो आपका बड़ी ग्राफ्टिंग नाइफ है इनको जो है वो प्रॉपर जो है वो केमिकल के थ्रू जो है वो साफ करेंगे, है ना। कोटिंग इक्विपमेंट जो भी आपके पोर्ट्स है उनको जो है शूज है हैंड्स है ना, इन सबको जो है वो आप क्लीन करके या हमेशा जो है वो जब भी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में यूज करते हैं तो पहले जो है आपका केमिकल के थ्रू जो है क्लीन करके, या फिर जहाँ पे स्टोरेज कर रहे हैं तो उसको पहले जो है फ्यूमिगेंट्स के थ्रू जो है वो स्टेलाइज करेंगे, ठीक है। तो रिमूव एंड डिस्पोजिंग ये इन्फेक्टेड लीव्स, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड लीव्स है आपका या टहनी जो भी ट्विक्स है फ्रूट्स है दिख रहे हैं उनको जो है वहां से रिमूव कर सकते हैं। और जो है वो आपका है प्रोटेक्शन, ठीक है, अब जो है वो अपन अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन और अब आगे आपका फॉर जो है वो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या है, आपका एक केमिकल बैरियर जो है वो होस्ट और पैथोजन की सरफेस के बीच में इस प्रकार का केमिकल बैरियर डालना जिससे कि उनका कॉन्टेक्ट नहीं हो, मतलब प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन बाय क्रिएटिंग ए केमिकल टॉक्सिक बैरियर बिटवीन द होस्ट एंड पैथोजन सरफेस, ठीक है। जैसे आपका होस्ट है ये आपका जैसे होस्ट है, ठीक है, तो ये उसका लीफ है ना, तो पैथोजन क्या होगा सबसे पहले लीफ के ऊपर लैंड होगा, तो यहाँ पे आपका जो है पहले केमिकल का स्प्रे कर दो, ठीक है, या इस प्रकार का जो है कोई प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव मटेरियल को इंट्रोड्यूस करना जिससे कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो और वो मटेरियल जो है पैथोजन के लिए टॉक्सिक भी हो, ठीक है।
तो फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड इंट्रेक्शन ऑफ ए इनोकुलम, है ना, इन्वॉल्व द फिजिकल और केमिकल जो है जितने मेथड आप जो है यूज कर सकते हो। जनरली जो है प्रोटेक्शन में अपन जो है केमिकल्स मेथड है उन्हीं को यूज किया जाता है, जिसके थ्रू जो है वो पैथोजन जो है वो डायरेक्ट जो है वो उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आए, अदरवाइज जो है वो उसके लिए वो टॉक्सिक हो। तो भाई स्प्रेइंग केमिकल, ठीक है, थ्रू कंट्रोल ऑफ ए इंसेक्ट वैक्टर, या वायरल डिजीज के लिए आपके जितने भी वायरल डिजीज है वो आपका वैक्टर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो आप केमिकल स्प्रे के थ्रू जो है वेक्टर को कंट्रोल कर देंगे, तो वो फर्दर जो है डिजीज को स्प्रेड नहीं कर पाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन आल्सो, ठीक है, अगर एनवायरमेंट जैसे टेम्परेचर लो चाहिए लेकिन आपने जो है वो हाई टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो है मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इस प्रकार से जो एनवायरमेंटल क्लाइमेट कंडीशन है या उनको भी जो है वो अपन अलग करके, जैसे आपका पीएच है सोइल का, ठीक है, बहुत सारे डिजीज ऐसे जो एल्कलाइन कंडीशन में आते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली इरिगेशन देंगे तो आपका जो है थोड़ा पीएच रिड्यूस हो जाता है, तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगी तो पैथोजन सरवाइव नहीं कर पाएगा। या न्यूट्रिशन मॉडिफिकेशन ऑफ ए हॉस्ट न्यूट्रिशन, मतलब हॉस्ट की जो है वो हेल्थ को बढ़ा देंगे, ठीक है, हॉस्ट की जो है वो हेल्थ को अच्छा करके भी अपन जो है पैथोजन की एंट्रीज को रोक सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है न्यूट्रिशन आपका डिपोजिशन ऑफ ए सुबेरिन लाइक लिग्निन, या फिर जो है प्रेजेंस ऑफ ए हेयर लाइक, है ना, या ये जो है हॉस्ट की सरफेस पे, तो उसकी वजह से भी जो है पैथोजन की एंट्रीज को रोका जा सकता है, मतलब एक बैरियर क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो थ्रू केमिकल या फिजिकल बैरियर के थ्रू पैथोजन की एंट्रीज को हॉस्ट के अंदर एंटर होने से रोकना, ये जो है आपका आ जाएगा प्रोटेक्शन के अंदर। फिफ्थ जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, ऑलरेडी अपने पढ़ा, एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ए एबिलिटी ऑफ ए होस्ट टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ए पैथोजन, ठीक है, तो वो रहेगा, इट इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब हम हमेशा अपन कंपेयर करके देखते हैं कि जो है प्लांट एक्स जो है प्लांट वाई क्या है, कंपेयर में जो है वो किसी पैथोजन के प्रति जो है वो कितना यील्ड दे रहा है या कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्लांट एक्स जो है उसके वाई के कंपेरेटिवली जो है वो कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसलिए जो अपन इसको जो है वो रिलेटिव हम कहेंगे। और रेजिस्टेंसी कैसे कैसे हो सकती है वो अपन ने ऑलरेडी देखा है, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो बायोकेमिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल जैसे आपका थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस, डिपोजिशन ऑफ गम, है ना, पोरिक लेयर फॉर्मेशन, एब्सिसिन लेयर फॉर्मेशन, हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्सेज, बायोकेमिकल में आपका जो है डिपोजिशन ऑफ ए दैट पीआर प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ ए फाइटो एलेक्जिन, फाइटो एंटीसिपिन, बहुत सारे जो है फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो प्लांट के अंदर रेजिस्टेंसी आएगी। दूसरी जो है आपका जीन बेसिस जेनेटिक, तो वो जो है आपका अपन डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, जैसे मोनोजेनिक है दैट कंट्रोल बाय ए सिंगल जीन, ओलिगोजेनिक मतलब कंट्रोल बाय ए टू जीन, ठीक है, और पॉलीजेनिक मतलब इट इज कंट्रोल बाय ए मैनी जीन, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जैसे आपने साइटोप्लाज्मिक रेजिस्टेंस है ना टीएमएस, जो मेज वगैरह में आपने पढ़ा होगा, है ना, तो कॉर्न लीफ ब्लाइट के अगेंस्ट जो है वो जेनेटिक्स में देखा होगा आपने, तो वो जो है वो आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की वजह से जैसे कुछ डिजीज के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस रहती है, उसी पर कुछ जीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक डीएनए उसमें चेंजेस की वजह से जो रेजिस्टेंस आती है उसको अपन जो है वो कहेंगे साइटोप्लाज्मिक डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये जो है वो आपके रेजिस्टेंसी का रहेगा। और भी रेजिस्टेंस जैसे अपने वंडर प्लांग ने जो दिया था आपका जो है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वर्टिकल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, तो वो भी है, तो 1963 के अंदर जो है वेंडर प्लांक ने जो है वो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी है ये, है ना, तो इन्होंने जो है टर्म दिया था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिए, फिर भी, है ना, वर्टिकल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, ठीक है, एक जीन के द्वारा कंट्रोल होती है और पैथोजन की कुछ रेसेस के अगेंस्ट ही ये रेजिस्टेंस रहती है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एपिडेमियोलॉजी बाई डिक्रीजिंग द इनिशियल इनोकुलम, ये वर्टिकल रेजिस्टेंस में क्या रहता है आपका, ये इनिशियल इनोकुलम है उसको कम करता है, जैसे अपन बात करें इनिशियल इनोकुलम मतलब जो है इनोकुलम दैट इनिशिएट द डिजीज, ये आपका प्लांट है, ठीक है, अब पहले से जो इनोकुलम प्रेजेंट है तो इसको यहीं पे ये सप्रेस करेगा, इसको जो है आगे बढ़ने नहीं देगा, इसका मतलब ये होस्ट को जो है वो इन्फेक्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसलिए जो है वो हमेशा जो है ये टोटल जो है वो रेजिस्टेंसी मतलब आपका जो है वो 100% रेजिस्टेंसी शो करेगा, मतलब प्लांट जो है वो अच्छा यील्ड देगा, इसमें डिजीज नहीं आएगा।
अब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में क्या रहता है आपका, ये जो सेकेंडरी इनोकुलम है उसको कम करता है, मतलब डिजीज जो आपका पैथोजन है उसको इन्फेक्ट तो करेगा उसको, लेकिन फर्दर उसके जो है स्प्रेड को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। तो डिजीज डेवलपमेंट रहेगा, सिम्टम आएगा, और लेकिन एक सर्टेन लेवल तक, मतलब कभी जो है ज्यादा एपिडेमिक फॉर्म में नहीं आएगा, और ये रेजिस्टेंस जो है वो कंट्रोल बाई ए मैनेजिंग एंड इफेक्टिव अगेंस्ट द ऑल द रेसेज ऑफ ए पैथोजन, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्प्रेड को कम करता है, और ये क्या करता है आपका इनिशियल इनोकुलम को ही इनिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये जो है आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, जो डिटेल में पढ़ा आपने, वंडर प्लान ने जो दिया। तो नेक्स्ट अपन बात करें कुछ जो है रेजिस्टेंस जो है कैसे वेराइटी डेवलप की जाती है, तो सिलेक्शन ऑफ ए होस्ट फॉर रेजिस्टेंस, एक जो है आप फील्ड से जो है वो होस्ट को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है भाई, मतलब सी, ठीक है, देखने से पता चल जाता है कि ये इसमें डिजीज कम आ रहा है, तो उसको जो है सेलेक्ट कर सकते हो, या हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो आपका रेजिस्टेंस जीन के प्रति। तो एक्चुअली क्या होता है, ज्यादातर जो आपके वाइल्ड रिलेटिव है उसमें यील्ड तो रहता है कम, ठीक है, यील्ड कम देता है, लेकिन रेजिस्टेंस ही अच्छी रहती है, ठीक है। तो अपन दोनों जो है आप पैथोजन को, एक जो अच्छा यील्ड दे रहा है और दूसरा जो है वो रेजिस्टेंस है, दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। एक जो है हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग जो है आपका प्लांट, और दूसरा जो है वो डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस, लेकिन उसमें यील्ड कम है, तो दोनों का क्रॉस करा के जो है वो आपका जो नया जो आपको रिजल्टेंट उसका मिलेगा वो क्या रहेगा, उसमें यील्ड भी ज्यादा रहेगा, प्लस जो है वो आपका डिजीज जो है वो रेजिस्टेंसी भी हाई रहेगी, मतलब डिजीज का डेवलपमेंट भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो म्यूटेशन, म्यूटेशन के थ्रू जो है आपका फिजिकल या केमिकल एजेंट के थ्रू जो है म्यूटेशन करवा के भी जो है डिजीज रेजिस्टेंसी वैरायटी डेवलप की जा सकती है, रेजिस्टेंस प्रो होस्ट, न्यूट्रिशन होस्ट का जो है न्यूट्रिशन को बढ़ा के, है ना, जैसे आप बात करें फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो एलिमेंट्स क्या करते हैं आपके होस्ट में रेजिस्टेंसी को बढ़ाते हैं, क्रॉस प्रोटेक्शन, ये जो आपका ओनली जो है वायरल डिजीज में ही इफेक्टिव है, ठीक है। प्रो इंट्रोडक्शन ऑफ ए माइल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, उसी वायरस की जो है कमजोर स्ट्रेंथ को, मतलब वैक्सीनेशन एक तरह का, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो जब सीवियर स्ट्रेंथ का अटैक होता है तो वो जो है उसको ओवरकम करेगा, ठीक है। इंड्यूस रेजिस्टेंस भाई ऐसे आ रहा है ना, या फिर जो है पोर्ट प्रोटीन मीडिएटेड है, उन्हें पड़ा। और दूसरा जो है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जैसे आपका बीटी कॉटन वगैरह जो है डेवलप किया गया है ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी डेवलप कुछ वेराइटी जो है डेवलप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, तो डिजीज रेजिस्टेंस या टॉलरेंट वेराइटी जो है वो आपकी जो है सी पेस्ट, सबसे सस्ता जो है और इफेक्टिव मेथड जो है वो आपका है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का, ठीक है। तो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का या प्लांट डिजीज कंट्रोल का सबसे इफेक्टिव सस्ता वो मेथड जो है वो आपका रेजिस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस वेराइटीज। तो वेराइटी जो है शुड बी सिलेक्टेड द रेजिस्टेंस और टॉलरेंस फॉर ए मोर देन वन डिजीज या मोर देन वन पैथोजन, ठीक है। तो वो ज्यादा थोड़ा फायदे वाला काम है ना, इसलिए जो ज्यादा पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इस प्रकार के डेवलप करें। और सम डिजीजेस जैसे सोइल बॉर्न डिजीजेज हो गई, है ना, या फिर आपके वायरल डिजीज हो गई, इनका जो है सिर्फ और सिर्फ मेथड ही यही है, दूसरे मेथड से आप इनको जो है वो मैनेज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिजीज रेजिस्टेंस जैसे वायरल डिजीज के लिए कोई केमिकल काम नहीं करेगा, है ना, अगर रेजिस्टेंस वेराइटी इंट्रोड्यूस की जाए तो जो है वायरल डिजीज को अपन जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह जो आपका सर्टिफाइड सीड जो रहता है वो रेजिस्टेंस वेराइटी अवेलेबल एंड, ठीक है, जो ज्यादातर जो अपन फार्मर जो है, आप अलग अलग सीड की जो कैटेगरीज है वो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है ना, तो या न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड, तो आपका जो सर्टिफाइड सीड है वो जो है वो अवेलेबल है फार्मर्स फील्ड के लिए जो है आपका सोइंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सिक्स जो है वो है आपका थेरेपी, थेरेपी मतलब होता है सर्जरी करना, ठीक है, ऑपरेशन, किसी जो है जो भी आपका इन्फेक्टेड पार्ट है उसको ट्रीट करना या उसको रिमूव करना या जो है उसको ट्रीटमेंट देना, मतलब है ना, तो वो जो है आपका आ जाएगा थेरेपी के अंदर, मतलब क्या यूज है ना, इंडिविजुअल प्लांट, किसी एक प्लांट को जो है वो अपन ये लार्ज स्केल पर अपन यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक प्लांट को जो है वो उसका सर्जरी करना या उसको ट्रीटमेंट देना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये छोटे स्केल पे ही जो है ये इफेक्टिव है ना, इट इज अचीव्ड बाई ए इनोकुलेटिंग ए ट्रीटिंग ए प्लांट विद ए केमिकल, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लांट को केमिकल से या हीट से या जो है वो अपन ट्रीटमेंट देके जो है वो पैथोजन को एलिमिनेट कर
करना, वो आपका आता है थेरेपी के अंदर। तो इसमें आपकी कीमोथेरेपी हो सकती है, मतलब केमिकल का ट्रीटमेंट, थर्मोथेरेपी हो सकती है जैसे आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट और हॉट एयर ट्रीटमेंट, या फिर प्री सर्जरी, मतलब जो है जैसे जो है रिमूव दैट पार्ट, उस पार्ट को जो है अपन अलग कर सकते हैं उस प्लांट से, जिससे कि फर्दर जो है वो डिजीज आगे नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये जो है तीन प्रकार की थेरेपी जो है वो रहेगी। दूसरी जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल की बात करें, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ना, जैसे जो आपका जो है जेनसन ने डिस्कवर किया था ना, तो शुगर कैन जो है ट्रीटेड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड 2 आवर टू एलिमिनेट ग्रासी सूट पैथोजन। जो ग्रासी सूट जो आपका माइक्रोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा जो फाइटोप्लाज्मा से जो होने वाला डिजीज है, तो उसको जो है अपन लगभग जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे तक अगर जो है शुगर कैन के कैंस को ट्रीट करें तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। सोलर हीट ट्रीटमेंट जो आपका लूज स्मट और वीट का कैन दिया गया था ना लूथराइन सरकार ने, उसी तरह कुछ जो है शुगर कैन, क्योंकि शुगर कैन मतलब आपका जो ज्यादातर जो है आपकी डिजीजेस की जो है सेट्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोपोगेटिव जो मटेरियल वो सेट्स रहता है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेट। तो इसमें जो है अपन अलग अलग जो है वो ट्रीटमेंट, जैसे हॉट एयर ट्रीटमेंट, इसमें क्या आपका 54 डिग्री सेंटीग्रेड जो 8 आवर तक जो है वो उसको ट्रीट करते हैं। उसी तरह मोस्ट जो है हॉट एयर ट्रीटमेंट हुआ अगर जो है 54 डिग्री कैन, लेकिन टाइम जो है वो आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो जो हॉट एयर या मोस्ट हीट जो है वो उसकी जो लेटेंट जो एनर्जी है ना, गुप्त ऊष्मा जिसको कहते हैं अपन, वो ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा रहती है, तो उसको टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक ट्रीटमेंट जो आपका 8 आवर दे रहे हैं, वही टाइम ट्रीटमेंट जो अपन 4 आवर में देके भी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसी तरह आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर है ना, इसी तरह एरेटेड स्टीम ट्रीटमेंट जो है वो आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। तो ये अलग अलग जो है शुगर कैन में कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।